सबसे पहली चीज है, जिस समाज में व्यापारी खुल के निडरता के साथ व्यापार नहीं कर सकता, वो समाज की अर्थव्यवस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। वो समाज गरीब ही रहेगा, वो समाज अमीर नहीं बन सकता। अमीर तो तभी बनेगा जब व्यापार आदमी खुल के करेगा, बिना डर के करेगा। आज आप लोगों ने यहां इतने सारे लोगों ने आने की हिम्मत करी, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। पता नहीं कितने आप में से कितने लोगों के नोटिस वोटिस आ जाएं, रेड वेड हो जाए, है कि नहीं है? ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है इन्होंने, ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल हमारा एक कार्यकर्ता नीचे सड़क के ऊपर रेड़ी पे कुछ खाने के लिए गया, उसको भूख लगी थी, तो रेड़ी पे खाते खाते उसने पूछा किसको वोट दोगे भैया, बोले भाजप। फिर बैठ गया, वो वहां पे स्टूल पड़ा था, स्टूल पे बैठ के खाने लगा, बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद रेड़ी वाला कहता है कि सर हमारी पूरी गली झाड़ू को वोट दे रही है, मैं भी झाड़ू को वोट दे रहा हूं। सो उसने पूछा भाई भाजप क्यों बोला, बोला सर आप शक्ल से भाजप वाले लग रहे थे, मैंने सोचा मारोगे मेरे को। बताओ एक आम आदमी गुजरात के अंदर ये नहीं बता सकता कि मैं इसको वोट दे रहा हूं कि उसको वोट दे रहा हूं, क्या डर का माहौल है गुजरात के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा जी, मैं तो अब ये कह रहा हूं कि सड़क पे ये जो सर्वे करने वाली कंपनियां आ रही हैं पूछने लोगों से, जितने भाजप बोल रहे हैं वो वोट झाड़ू को देने वाले हैं, और देख लेना कुछ चमत्कार ही होने वाला है इस बार, परिवर्तन। तो सबसे पहले तो आपका डर खत्म करूंगा मैं। हमारी सरकार बनेगी निडरता से काम करना, किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। किसी का कुछ छीन के खा रहे हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 27 साल से तो भाजपा है यहां पे, उसके पहले कांग्रेस थी, कभी किसी भी पार्टी ने चुनाव के पहले चुनाव के बाद सरकार ने कभी आपसे ऐसे आमने सामने बातचीत करी आपकी समस्याएं जानने के लिए? धमकाते हैं बस, कभी आज तक बातचीत नहीं करी। ये पहली बार हो रहा है, पिछले 6 महीने से मैं गुजरात आ रहा हूं। हमने आज हम टेक्सटाइल के ओनर्स के साथ, कर्मचारियों के साथ बात कर रहे हैं, कई सारे पेरेंट्स आए हैं उनसे बात कर रहे हैं। हमने अलग अलग मुद्दों पे गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाके जनता के साथ बातचीत करी, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश करी कि क्या समस्या है, तभी तो समाधान निकलेगा। आज जिस तरह से हम इस चुनावी कैंपेन के अंदर आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपकी समस्याएं समझ के उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा आप लोगों को वादा है कि जब सरकार बनेगी तो सरकार भी ऐसे ही चलेगी, बातचीत के जरिए, जैसे चुनाव चल रहा है। जैसे चुनाव के दौरान आपसे बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद आपसे बातचीत करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और जैसे वो लोग चुनाव के पहले भी आपसे बात नहीं करते, वो चुनाव के बाद भी आपसे कभी बात नहीं करते। सम्मान देंगे आपको। मैं बहुत बड़े बड़े व्यापारियों से मिला, सब कहते हैं जी जिंदगी में पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन जैसे ये सरकारें ऐसे करती हैं जैसे कोई हर व्यापारी चोर हो, इस तरह से ट्रीट करती हैं। टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी, ये भी, वो भी ऐसे करते हैं जैसे कोई चोर हो। एक व्यापारी 24 घंटे मेहनत करके अपने घर के बच्चों के लिए पैसे कमाता है, उसमें से टैक्स देता है, दान पुण्य का काम करता है, धर्म का काम करता है, समाज को पालता है। तो सबसे पहले आपको डर दूर करेंगे, दूसरा आपको पूरी तरह से सम्मान, तरह तरह से सम्मान दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि हमें गर्व है, देश को गर्व है आपके ऊपर। रेड राज बंद करेंगे, दिल्ली में बंद कर दिया रेड राज, कोई इंस्पेक्टर रेड मारने नहीं जाता, किसी डिपार्टमेंट का कोई इंस्पेक्टर किसी को नहीं भेजते हम। मेरा अपना यह मानना, ये जितने रेड मारने जाते हैं ये कोई व्यापारी से टैक्स लेने नहीं जाते, ये अपने लिए अपना घर भरने के लिए जाते हैं।
वसूली के लिए जाते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा जी, 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी, उस टाइम दिल्ली का 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था। हमने सारी रेड बंद कर दी। मेरे को कई अफसरों ने कहा जी ये रेड मत बंद करो, ये व्यापारी चोर हैं, ये टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा भरोसा रखो, व्यापारी खुद मन मर्जी से टैक्स देना चाहता है, वो चाहता है सरकार तंग ना करे। आज भाई साहब 75,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया मेरा 7 साल के अंदर बिना रेड के। तो आपकी सारी रेड बंद, कोई इंस्पेक्टर आपको तंग करने के लिए नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे किस्से मैंने सुने हैं कि ऐसी कई पार्टियां आई, 4-5 महीने तो अपनी गुडविल बना लेती है मार्केट में, पहले 2 करोड़ का काम किया, फिर 4 का किया, और फिर एकदम से 20 करोड़ का काम करके और सारा सामान लेके और गायब हो जाती है मार्केट से। होता है कि नहीं होता ऐसे? और कई लोग इस तरह से डूब चुके, उनका सारा पैसा फंस चुका। इसके लिए स्पेशल कानून लेके आएंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे इसके खिलाफ। अभी एक तो सुझाव तो आए कि उसमें क्या होना चाहिए, आपकी FIR भी होगी, आपको परेशान भी नहीं करेंगे, और केवल कोरी FIR से आपको अंतपंत में, आदमी को FIR थोड़ी चाहिए, अंतपंत में तो अपना पैसा चाहिए वापस, है ना? तो FIR भी होगी और पैसा भी वापस दिलाएंगे आपको आपका। और ये पेमेंट की प्रॉब्लम केवल सूरत की या गुजरात की नहीं है, पूरे देश की है। जितने व्यापारी हैं, मैं तो व्यापारी समाज से आता हूं, जितने व्यापारी हैं सब इस पेमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं समझता हूं गुजरात के लोगों के साथ मिलके, सूरत के लोगों के साथ मिलके एक नया ऐसा कानून लेके आएंगे जो शायद पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा, पूरे देश के लिए इस समस्या का समाधान निकल सकता है। आज व्यापारी के सामने सबसे बड़ी पेमेंट, सबसे बड़ी समस्या पेमेंट की धोखाधड़ी की है। इसके लिए सख्त कानून बनाएंगे और आपकी पेमेंट आपको दिलाएंगे। GST से बहुत सारी परेशानी है, GST के रेट से परेशानी है, उसको हम केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे। और GST को लागू करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, उसको सिंगल विंडो बना के उसको, वो हमारे हाथ में है। GST के रेट तो केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन GST का एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे लोकल लेवल पे, वो हमारे हाथ में है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आप लोगों को GST को लागू करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, भ्रष्टाचार है, उसको खत्म किया जा सके। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, जो अभी मैंने कहा आप लोगों का, बिजली, पानी, सीवर, ये सारा इसका इंतजाम किया जाएगा। बिजली के रेट बहुत ज्यादा हैं, इसको बिजली के रेट आप लोगों के लिए सस्ते किए जाएंगे। दिल्ली में हमने नया एक्सपेरिमेंट किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जितनी भी सरकार की सर्विस, आपको ये जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली में हमने कई सारे सरकारी महकमों में ताला लगा दिया है कि अब यहां आने की जरूरत नहीं है। हमने एक नंबर दे दिया 1076, ये दिल्ली से ही काम करता है, ये यहां से काम नहीं करेगा। आपको दिल्ली सरकार से कोई भी काम हो, आपको कोई लाइसेंस लेना है, आपको किसी भी तरह का काम है, आप 1076 पे फोन करो, वहां से आवाज आती है जी आपको क्या काम है, आप अपना काम बता दो। फिर वो कहता है जी आपको, आपका ये काम करने के लिए मैं आपके घर कितने बजे आऊं, आपको सरकारी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके घर आके आपका काम करके जाएगी। आप अगर कहते हो जी मैं तो लेट आता हूं दफ्तर से, रात को 10 बजे आना, रात को 10 बजे दिल्ली सरकार से एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाता है। किसी दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं, दफ्तर से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। और जो ऑनलाइन ना कर सके उसके डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, इसको गुजरात में भी लागू करेंगे। आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो, फलो फूलो, यही हम चाहते हैं। आप फलोगे तो देश तरक्की करेगा, और आप अपना धंधा छोड़ के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटोगे तो देश भी कैसे तरक्की करेगा।